A very good morning to all of you. Myself Anuj Dwivedi. Welcome to my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today I have come up with class 10th social science, which is from geography, chapter number 1. Geography chapter number 1 is resources and development. Our relation संसाधन और उसका विकास, इस चैप्टर का मतलब है संसाधन और विकास. आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी रिलेशनशिप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कैसे हैं, प्राकृतिक संपदाओं से कैसा है. ह्यूमंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स. दे एन्जॉय एंड यूज नेचर्स बाउंड्रीज सच एज एयर, वाटर, फ्रूट, फ्लावर एंड अदर एनिमल्स. ह्यूमंस, जो इंसान हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक प्रमुख हिस्सा है जो प्राकृतिक दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड है उसका. दूसरी ऑर्गेनिज्म के जैसे ही वो भी इंजॉय करते हैं नेचर्स की चीज़ों का, जैसे कि एयर है, वाटर है, फ्रूट है, फ्लावर्स है और बहुत सारे जानवर हैं, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, इंजॉय करता है साथ में और उनका यूज़ भी करता है. हाउएवर, humans differ from other organisms because they consciously change nature to suit their needs. हालांकि इंसान जो हैं वो दूसरे organisms से अलग हैं, क्योंकि वो हमेशा ही नेचर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार. They use nature's material to make tools and use these tools to produce the things they want. वो लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो नेचर की जो मटेरियल है, प्राकृतिक चीज़ों को क्या करता है, उनसे टूल्स बनाता है, उनसे औजारे बनाता है और इन सब औजारों के द्वारा वो उन सब चीज़ों को उत्पादित करता है या प्रोड्यूस करता है जिसे वो चाहता है, जो उसको ज़रूरत रहती है उस अनुसार वो उस टूल्स का यूज़ करता है उसको बनाने के लिए. द नेचुरल मटेरियल्स दे यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, और जो नेचुरल मटेरियल उन लोगों को जो यूज़ करते हैं मनुष्य, उनको हम रिसोर्सेस कहते हैं. क्या कहते हैं, रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मतलब होता है संपदा. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में अगर देखें, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स ह्यूमंस चिप्ड स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज्ड दीज टूल्स टू हंट, डिग रूट्स एंड ट्यूबर्स, मेक बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू एंड शू क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल हाइड्स. दस द नेचुरल रिसोर्सेज दे यूज्ड इन दोज डेज वेयर स्टोन्स, बैम्बू, एनिमल हाइड्स एक्सेट्रा. जो नेचुरल मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते हैं वो आपको देखे ही कि वो उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जांपल के लिए अगर देखें, जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स था उस समय ह्यूमंस जो थे वो स्टोन्स को यूज़ करते थे, है ना, चिप्ड स्टोन्स. स्टोन्स को क्या करते थे, छिलनी की जैसे छीलते थे, उसे वो शार्प टूल्स बनाते थे, उसको क्या करते थे, हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, रूट्स डिगिंग में यूज़ करते थे, बास्केट बनाने के लिए यूज़ करते थे, है ना, बास्केट फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू का बास्केट बनाने के लिए काम करते थे, छिल छिल कर क्लोथ्स सिलने के लिए काम करते थे और हाइड्स बनाने के लिए भी काम करते थे. इस प्रकार से वे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे, बैम्बू से, स्टोन से और एनिमल हाइड से. ह्यूमंस एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स. ह्यूमंस जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है जिससे वो सामान बनाते हैं उसको और एक्सपेंड करते चले गए उसके बाद के सालों में. दे बिगन टू रियर एनिमल्स एंड फार्म द लैंड, और वो क्या सीख गए, जानवरों को देखभाल करना, रियर करना और फार्मिंग करना सीख गए. वाइल अर्लियर दे ऑल्टर्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन्स, दे नाउ बिगन टू ऑल्टर एंड यूज लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. पहले तो वे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही सामान बनाते थे, बट अब क्या हुए, वो इन लोगों का भी यूज़ करने लग गए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का भी यूज़ करने लग गए लिविंग बींग्स के साथ. दे यूज्ड देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड, और वे सब चीज़ों टूल्स का यूज़ करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और ज़मीन को बराबर करने के लिए जिससे वे खेती कर सकें. दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सोड देम इन द लैंड, द प्लांट्स ग्रू, फ्लावर्ड एंड बोर फ्रूट विच वेयर फूड ग्रेन. ह्यूमन हार्वेस्टेड द क्रॉप एंड बिल्ड हाउसेज टू स्टोर द ग्रेन, देयर हाउसेज ग्रू इन टू सेटलमेंट्स. तो क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्लॉरेस्ट क्लियर किया, ज़मीन सही किया, उसके बाद बीज बोने लग गए,
फिर उसके बाद वो खेती करना शुरू किए, तो वो प्लांट्स क्या हुए, ग्रो हुए, फ्लावर आए, फ्रूट आए और फूड ग्रेन पैदा हुआ। ह्यूमंस जो हार्वेस्ट कर रहे थे क्रॉप, उसके लिए उन्होंने स्टोर के लिए, स्टोर करने के लिए क्या बनाया, बिल्डिंग बनाई, घरे बनाने शुरू कर दिए। फिर उनका हाउसेस जो हो गया सेटलमेंट्स के रूप में तब्दील होता चला गया। इन दिस वे द रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमंस यूज्ड केप्ट एक्सपेंडिंग एंड देयर एबिलिटी टू हार्नेस दीज रिसोर्सेज केप्ट इम्प्रूविंग। इस तरीके से जो रेंज था नेचुरल रिसोर्सेज का, वो क्या हुआ, एक्सपेंड होता चला गया, और एबिलिटी जिससे कि ये बढ़ती चली गई, इम्प्रूवमेंट आती गई उसमें। हिस्टोरियंस कॉल दिस एज व्हेन ह्यूमंस बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड कल्टिवेट क्रॉप्स द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। उस समय जब जानवरों को उन्होंने रखना शुरू किया, देखभाल करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, फार्मिंग शुरू की, तो उस एज को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। इट बिगेन अबाउट 10,000 ईयर्स बैक। और ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो समय था, वो 10,000 साल पहले का समय है जब ये शुरू हुआ था। ह्यूमंस एक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड बिगन प्रोड्यूसिंग मेनी न्यू थिंग्स ऑन ए बिगर स्केल। जो मनुष्य थे वो नए नए स्किल्स एक्वायर करते गए, सीखते चले गए और टेक्निक्स को सीखते चले गए। इससे क्या हुए, वो बहुत सारे सामान, नए नए सामान बनाना शुरू कर दिए बड़े तौर पर। These included utensils made by baking clay, clothes made by spinning and weaving fibers, and numerous articles made from metals like copper, brass and iron. तो इसमें क्या क्या include था, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, clothes बनाना spinning और weaving करके, बहुत सारे articles बनाना metals से, copper का, brass का और iron का। Okay? Next देखते हैं, who own natural resources? मालिक कौन है natural resources का? As the importance of natural resources in human life grew, questions arose about who should control them. तो जैसे जैसे importance natural resources का बढ़ता चला गया, question ये पैदा होने लग गया कि ये इनका control कौन करेगा? How should they use and who should benefit from their use? इनको use कौन करेगा और किसको benefit होगा इसे use करने से? Different communities answered these questions in different way. अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके के आंसर दिए इसमें। In some societies, the people enjoyed collective rights to natural resources and framed community laws and rules to utilize them judicially. बहुत सारी जो societies थी वो collective way पे right दिया कि सामूहिक रूप में natural resources का use करें और उसके हिसाब से उन्होंने law और rules बनाए utilize करने के लिए। They considered land, forest and water resources as common property. उनके अनुसार क्या था, जमीन जो थी, जंगल थे और जो पानी के sources थे, वो एक common property थी, वो सामूहिक रूप में use करने वाली चीज़ें थी, यू ऐसा मानते थे। These societies saw natural resources as divine, not as something they could exploit for their personal use. ये society जो थी वो natural resources को भगवान के रूप में मानते थे, ना कि वो हम उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको ख़राब कर दें या एक्सप्लॉइट कर दें। फॉर देम द लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशियंस, एनिमल्स एंड माउंटेन्स वेयर गॉड्स एंड गॉडेस हु प्रोवाइडेड देम देयर लाइवलीहुड्स। उनके लिए क्या था, जितनी भी ज़मीन थी, पेड़ पौधे थे, नदियाँ थी, ओशंस थे, एनिमल्स, माउंटेन्स, ये सब भगवान का भगवान के रूप में थे उनके लिए, वो जो उन्हें लाइवलीहुड के लिए प्रोवाइड किए थे। इन दिस सोसाइटी What happened to these societies? So, everyone had access to natural resources, but no one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly. तो इनमें सभी को natural resources का use करने का तो right था, but exploit करने का। Next topic, waste. They are the unutilized and discarded components of the production and consumption process. जो वेस्ट है ये unutilized, जिसका हम utilize नहीं करते या फेंके हुए चीज़ हैं production और consumption process में। Example include the baguses that is grown away after extracting juice from the sugar cane. Sugar cane जो juice निकालने के बाद उसके जो भी कण रहते हैं उसको हम फेंक देते हैं, that is called what, waste. The wrapper we throw away after eating a packet of biscuit. बिस्किट खाने के बाद जो रैपर रहता है उसको जो फेंक देते हैं वो है वेस्ट। द अनयूजेबल पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्रीज और द केमिकल लेडन वाटर स्मोक रिलीज्ड आफ्टर द प्रोडक्शन। सो
यूज़ करने के बाद, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज भी वाटर रॉ मटेरियल्स यूज़ करने के बाद जो कण बच जाते थे वो उसे फेंकते थे, या केमिकल लैडन वाटर जो हो, स्मोक रिलीज करने का जो प्रोडक्शन हो, ये सब क्या है, वेस्ट ही है। मेनी वेस्ट मटेरियल्स कैन फाइंड अदर यूजेस, बहुत सारे वेस्ट का यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी बर्न बैगेसेस एज फ्यूल टू यूज़ दैम इन मैन्युफैक्चर पेपर, वी कैन ऑल्सो रिमूव हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर एंड स्मोक विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड रीयूज द वाटर। जब हम बैगेसेस फ्यूल को यूज़ करते हैं, जलाते हैं, तो क्या पेपर मैन्युफैक्चर के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं हार्मफुल केमिकल्स और कंटामिनेटेड वाटर का और स्मोक का स्पेशल इक्विपमेंट से, और रीयूज कर सकते हैं उस वाटर का। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बैडली अफेक्टेड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल वेब। जो लार्ज स्केल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो बैडली इफेक्ट किया है क्या, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल वेब। जो अर्थ नेचुरल रिसोर्स है वो इन आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल, दैट इज़ नॉट इनएग्जॉस्टिबल, ख़त्म नहीं होगा। यूजिंग दैम इनडिस्क्रिमिनेटली विल डिप्लीट दैम परमानेंटली। अधाधुन तरीके से अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो ज़रूर हमेशा के लिए परमानेंटली ख़त्म कर देगा। अवर नेचुरल रिसोर्सेज विल बी लॉस्ट फॉर गुड एट अवर करंट रेट ऑफ यूटिलाइजिंग दीज एसेट्स। जिस तरीके से आज के डेट में ये यूज़ हो रहे हैं उस हिसाब से तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। मेनी रिवर्स आर टर्निंग इंटू ओपन ड्रेन्स। लैंड एंड वाटर आर प्रोन टू पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन और वाटर लैंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। द इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर्स विल बी ग्रीवियस। आने वाले सालों में जो इसका इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल रिफ्लेक्ट ऑन दिस प्रॉब्लम्स बाई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज इन विच क्रिएशंस ह्यूमन डू नॉट प्ले ए रोल। नेचुरल रिसोर्स हम उसे कहते हैं जिसके क्रिएशन में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं रहा है। ह्यूमंस ओनली एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर नेचुरल सेटिंग। ह्यूमंस क्या करते हैं, सिर्फ उनके नेचुरल सेटिंग से रिसोर्सेज को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, द वुड वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इज ए नेचुरल रिसोर्स। जो वुड हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं वो क्या है, रिसोर्स है। ओके, बट द कॉटन वी ग्रो इन फील्ड्स इज नॉट। लेकिन जो कॉटन हम फील्ड्स में खेतों में जो ग्रो कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। सिमिलरली, क्योंकि उसे इंसानों ने पैदा किया है। द आयरन ओर वी माइन इज ए नेचुरल रिसोर्स बट द स्टील वी मेक इट इज नॉट। सिमिलरली, आयरन ओर जो होता है लौह अयस्क, उसे हम निकालते हैं तो वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन जो स्टील है, क्योंकि स्टील हमने बनाया है आयरन से, तो इसीलिए वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। क्या, स्टील नेचुरल रिसोर्स नहीं है, आयरन ओर नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। तो हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज वुड, फिश एक्सेट्रा आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से होते हैं, जैसे कि वुड, फिश, ये सब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। कोयल एंड मिनरल ऑयल आर ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी बिकॉज दे आर फॉसिल्स, फॉसिलाइज्ड लिविंग बींग्स। वो क्या है, फॉसिल के रूप में मौजूद हैं, फॉसिलाइज लिविंग बींग्स हैं, इसलिए कोयल और मिनरल ऑयल को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में। नॉन लिविंग फिजिकल रिसोर्सेज सच एज लैंड, एयर, वाटर, मेटालिक मिनरल्स एक्सेट्रा बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। सो जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, मेटालिक मिनरल्स, ये सब क्या हैं, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर रिप्लेनिश्ड इन नेचर और नॉट। तो हम रिसोर्सेज को ऐसा भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि वे खत्म हो सकते हैं कि नहीं खत्म हो सकते। रिसोर्सेज जो कि रिप्लेनिश नेचुरली होते हैं, हम उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फाइनाइट क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिप्लेनिश इजली आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो काफ़ी मात्रा में हैं और बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सो चलिए देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है डिटेल में। दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस, वो खत्म हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो, और पैदा भी अपने आप होता है। दे ऑल्सो, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अर्थ में, वो हमेशा प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। इफ ह्यूमंस डू नॉट इंटरफेयर देयर रिन्यूएबल प्रोसेस एंड यूटिलाइज देम केयरफुली, दे विल बी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। अगर इंसान इसके रिन्यूएबल प्रोसेस मतलब दोबारा पैदा होने के जो प्रोसेस है नेचुरली, और उसको यूटिलाइज करें केयरफुली, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा अवेलेबल होगा।
However, there is a limit to their utilization. हालांकि utilization उपयोग करने का limit होना चाहिए. Exceeding this limit or spoiling the resources lead to their degradation and affects their renewal. अगर हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें या उस चीज़ को ख़राब कर दें तो वो क्या होगा, उसके renewal process को ख़राब कर देगा. Example के लिए, water is always available on the earth. पृथ्वी में हमेशा अर्थ में क्या है, water available है. Okay, so water evaporates from the ocean and condenses as rainfall. Some of this rainfall seeps into the earth to replenish the groundwater. तो पानी क्या होता है, evaporate होता है ocean और उसके बाद condense होता है rainfall के रूप में. तो जो rainfall जो आता है वो underground water को replenish भी करता है. Okay, नीचे के पानी की सतह उसको replenish करता है. The rest flows into rivers and streams to reach the ocean. और बाकी पानी क्या है, नदी तालाबों से होके ocean में चला जाता है. This endless cycle renews water. तो इस प्रकार की जो साइकिल है इससे क्या होता है, वाटर रिन्यू होते रहता है. However, obstacle in the process disturb the water cycle. अब वाटर साइकिल का obstacle अगर हो गया इस बीच में तो वो उसे रोक देता है. Example के लिए, depletion of forest cover results in less water seeping into the earth. जैसे जैसे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, पानी क्योंकि जड़ सोख के रखता है, पानी को नीचे डालता है, तो वाटर सीप नहीं हो पा रहा है. दिस अफेक्ट्स द रिचार्ज ग्राउंड वाटर. इसलिए रिचार्ज ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है. द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर कॉसेस डग वेल्स एंड बोर वेल्स ड्राई अप. इसी कारण कुआं और बोरिंग सूखते चले जा रहे हैं. वी रिलीज पोल्यूटेड वाटर इनटू अवर रिवर्स. रिवर्स में हम पोल्यूटेड वाटर रिलीज करते हैं. अगर वॉल्यूम जो हो, इफ द वॉल्यूम ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज लिमिटेड देन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फ्लोइंग वाटर हैव द कैपेसिटी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन. अगर पॉल्यूटेड वाटर लिमिटेड मात्रा में है तो ऑर्गेनिज्म जो उसमें फ्लो करते रहते हैं उनकी वो कैपेसिटी होती है कि वो पॉल्यूशन को क्लीन अप कर दें. हाउएवर वी रिलीज एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू आवर रिवर्स नाउडेज. लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट रिवर वाटर में फेंकते जाते हैं या छोड़ते जाते हैं. तो डैम्स एंड इरीगेशन कैनाल्स ऑल्सो रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स. डैम्स और इरीगेशन कैनाल्स भी फ्लो ऑफ जो वाटर है वो रिवर्स में उसको कम कर देते हैं. व्हेन द रिवर्स आर अनेबल टू क्लीन देमसेल्व्स, जब रिवर्स अपने आप स्वयं साफ नहीं हो पाती हैं, दे टर्न इनटू सेसपूल. उसके कारण फिर कचरा बढ़ते जाता है. वी नीड टू फाइंड अदर यूजेस फॉर वेस्ट इफ यू विश टू अरेस्ट दिस पॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपोस्ट वेस्ट एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर यूज इन गार्डन एक्सेट्रा. वी नीड टू रीयूज एंड रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट. हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रीयूज और रिसाइकल करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर्स टू एंश्योर दे डू नॉट डाई. हमें पानी की मात्रा रिवर्स में बढ़ानी होगी जिससे कि वो मरे ना. वी नीड टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ वाटर रिन्यूएबल बाय प्रिवेंटिंग डिस्ट्रप्शन इन द नेचुरल वाटर साइकिल. हमें वाटर रिन्यूएबल प्रोसेस को मेंटेन करके रखना होगा. हमें इसका डिस्ट्रप्शन वाटर साइकिल में बिल्कुल करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द रिन्यूएबल साइकिल ऑफ द रिसोर्सेज इन माइंड इफ वी विश टू यूज देम जुडिशली. अगर हमें अच्छे से उपयोग करना है तो हमें इसकी रिन्यूएबल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. रिसोर्सेज मस्ट रिन्यू नेचुरली. जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली वे पे रिन्यू होना चाहिए, है ना, वो हो सके. सिमिलरली वी शुड यूज ग्राउंड वाटर ओनली द एक्सटेंट इट रिचार्जेस नेचुरली. हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए ग्राउंड वाटर का जितना वो रिचार्ज हर साल होते हैं. अदरवाइज द वाटर टेबल विल फॉल. इससे अगर ऐसा नहीं करते तो वाटर टेबल जो होगा वो नीचे गिर जाएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज सच एज आयरन ओर कोल मिनरल ऑयल एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. तो ये सब चीज़ें क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. जो नेचुरल स्टॉक है डिप्लीट्स द मोर दे यूटिलाइज दे बिकम बिकॉज दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्स. ये खुद से पैदा होते नहीं हैं इसलिए ये ज़्यादा यूटिलाइज करने से खत्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जो मेटेलिक ओर है डिपॉजिट डिप्लीट आफ्टर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देम. जब हम मेटल और निकाल लेते हैं तो वे उसकी डिपॉजिट क्या होती, खत्म हो जाती है. तो मेटेलिक डिपॉजिट डिप्लीट हो जाता है. वी देन टेक ए लुक फॉर न्यू ओर डिपॉजिट. इसके बाद हम नए ओर डिपॉजिट्स देखते हैं, नया खदानी ढूंढते हैं. ए डे विल कम व्हेन वी एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल डिपॉजिट्स. तो ऐसे जो खदाने हैं वो सब हम यूज कर चुके होंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. Even today, many mines have shut down after exhausting their stock. Stock पूरा निकालने के बाद वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया, बंद हो गया. Example अगर देखें तो दल्ली राजरा आयरन ओर माइन में पूरा स्टॉक निकल चुका है. इसमें आपका टेबल भी दिया हुआ है जो कि आपको हेल्प करेगा कुछ जानकारी के लिए. ये डिपेंड करता है, देखिए क्या डिपेंड करता है, ग्लोबल रिजर्व
क्रूड ऑयल के बारे में बताया है, हाउ मेनी ईयर्स विल बी देयर लास्ट इफ ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल कंस्टिट्यूट दे विल एग्जॉस्ट विद इन 53 ईयर्स। तो ये क्या होगा, 53 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। ओके और इंडिया जो डिपेंड करता है क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करता है। इम्पोर्ट्स बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव एडिक्वेट प्रूवन रिजर्व, वो वहाँ से खरीदता है क्योंकि उसके पास एडिक्वेट रिजर्व नहीं है। ओके एज द ग्लोबल स्टॉक डिप्लीट्स प्राइस ऑफ ऑयल विल बी एस्केलेट, इंडिया एंड इट्स सिटीजन विल हैव टू बीट द बर्डन ऑफ हायर प्राइजेस, उसके कारण क्या होता है हायर प्राइस बढ़ेगा। द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट कंसर्न अबाउट द नीड ऑफ डेवलपिंग नेशंस बट वॉन्ट टू कंट्रोल ग्लोबल ऑयल रिजर्व टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट एंड एंश्योर दैट दे डू नॉट फेस एनी शॉर्टेज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन वो ये बचाना चाहते हैं अपने मतलब कोई शॉर्टेज ना हो, इसके कारण वो ग्लोबल ऑयल रिजर्व बचाना चाहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव एडिक्वेट ऑयल रिजर्व टू मीट इट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन, सो इट यूजेस इट्स इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री माइट गेन कंट्रोल ओवर ऑयल रिजर्व फॉर द अदर कंट्रीज। दिस पॉलिसी हैज लेड टू वॉर्स दैट कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड ब्रॉट मिसरीज टू मिलियंस ऑफ पीपल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनके पास ऑयल रिजर्व बिल्कुल नहीं है अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, इसीलिए उनकी मिलिट्री क्या करती है ऑयल रिजर्व पे कब्जा करती है, इसी के कारण लड़ाई झगड़ा होते हैं, है ना, और जो लोगों के काफ़ी डिस्ट्रक्शन पैदा किया है। सो अवर नेक्स्ट इज वी प्रिवेंट दिस पोल्यूशन इफ़ वी कंट्रोल द स्मोक एमिशन फ्रॉम देयर रिन्यूएबल लिमिट। ये जो फैक्ट्रीज के जो धुएं हैं वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंट करना चाहिए इस पोल्यूशन से। सिंकिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट। सिंक कैपेसिटी जो है वो एक क्षमता है एनवायरनमेंट की जिससे वो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एक्सीड द सिंक कैपेसिटी द एनवायरनमेंट सफर्स लॉन्ग टर्म डैमेज। जब वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है सिंक कैपेसिटी से तो एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या होता है, करेंट डाटा और ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया इंडिकेट दैट ग्राउंड वाटर रिजर्व इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर सीवियरली अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉटेशन। तो हमें डाटा क्या बताता है कि ग्राउंड वाटर लेवल का जो रिजर्व है हमारे इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है ओवर एक्सप्लॉटेशन के कारण काफ़ी नीचे चला गया है, बहुत से ज़्यादा खतरे में है। वी आर एक्सट्रैक्टिंग मोर वाटर दैन इज बींग रिचार्ज कम हो रहा है और हम उससे पानी ज़्यादा निकाल रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है वाटर टेबल is about in about 300 district in the country has dropped by such as 4 meter से ज़्यादा नीचे चला गया है 300 district में। This is the danger signal और ये क्या है danger signal है। We have huge quantities of groundwater for irrigation and agriculture prosperous Punjab and western Uttar Pradesh, the rocky plateau regions of central and south India and some coastal areas. Our fast growing cities and towns also use groundwater. तो हमारी जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज है टाउन्स है वो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रही है। दिस काइंड ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉटेशन विल डिप्लीट अवर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज एंड लोअर द वाटर टेबल। इन सब प्रकार से क्या होगा एक्सप्लॉटेशन होगा, डिप्लीट हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर लेवल का। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंडोसल्फेन इज इन स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए केमिकल पेस्टिसाइड कैन एडवर्सली इफेक्ट अवर इन्वायरमेंट। एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमको पता चलता है केमिकल पेस्टिसाइड है ये जो इफेक्ट को इन्वायरमेंट कैसे करता है, इफेक्ट कैसे करता है। 1976 में गवर्नमेंट एरियली स्प्रेड एंडोसल्फन ओवर 15,000 एकर्स ऑफ कैश्यू टू प्रिवेंट पेस्ट अटैक्स। कैश्यू की जो वो था क्रॉप था उसमें 15,000 एकड़ में उन्होंने क्या एंडोसल्फन केमिकल को वो किया स्प्रे किया। दिस वॉज द कसारडोगी डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ केरला और ये कहाँ हुआ था केरला में हुआ था। एरियल स्प्रेइंग कंटिन्यू ओवर 25 ईयर्स एवरी ईयर फॉर 25 ईयर्स कंटिन्यूड था टोटल 25 ईयर्स तक। द पेस्टिसाइड बैडली इफेक्टेड द एयर वाटर एनवायरनमेंट। तो ये क्या किया जो पेस्टिसाइड था वो पूरा एयर वाटर एनवायरनमेंट को बैडली इफेक्ट कर दिया। पीपल लिविंग इन 11 ग्राम पंचायत फेस सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली द फार्म लेबरर्स। जो पीपल थे वो ग्राम पंचायत के आसपास के उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस हुई स्पेशली किसको जो फार्म में काम करते थे लेबर। द पॉल्यूशन ऑफ फिश इंसेक्ट रो एंड अदर बर्ड्स फेल ड्रास्टिकली इन द अफेक्टेड रीजन। उन रीजन में इन सब चीज़ों का जो थे ये सभी चीज़ इफेक्ट हुए। इट टुक ए कोर्ट ऑर्डर फ्यू ईयर्स अगो टू डिसकंटिन्यू द तो कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ी जिससे डिसकंटिन्यू हुआ एंडोसल्फेन स्प्रेइंग। द गवर्नमेंट इज नाउ पेइंग कंपनसेशन टू द इफेक्टेड पीपल और गवर्नमेंट कर रही है उन सभी को कंपनसेशन दे रही है जो लोग इफेक्टेड थे। रिसोर्स मैनेजमेंट, सो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है देखिए, वी नीड टू प्लान द यूटिलाइजेशन मैनेज करना रिसोर्स को। वी नीड टू प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल इंबैलेंस।
सो इम्बैलेंस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्लानिंग की जरूरत है, यूटिलाइजेशन हमें कितना करना चाहिए, प्लान करना जरूरी है। दिस मीन्स मीटिंग अवर करंट रिक्वायरमेंट एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि हमारे आज के रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और बाद के लिए भी बचा रहे। वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू अचीव द इम्बैलेंस। तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, हमें क्या करना चाहिए, दूसरे रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए। इनके अलावा वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज दैट कॉज हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन विद ऑल्टरनेटिव रिसोर्स। एग्जांपल के लिए अगर देखें तो कोयल एज फार एज अवॉइड यूज ऑफ कोयल एंड यूज नेचुरल गैस इंस्टेड, कोयल की जगह हमें नेचुरल गैस यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, ग्रेटर यूज ऑफ सोलर एनर्जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, विंड पावर का यूज़ करना चाहिए लॉन्ग टाइम एनर्जी अवेलेबिलिटी के लिए। उससे क्या होगा, इन एडिशन वी कैन गिव इंसेंटिव्स एंड डेवलप सिस्टम्स टू प्रमोट सच अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। इन सब चीज़ों के लिए हमें इंसेंटिव्स भी देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि ये सब चीज़ डेवलप भी हो सके। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस, जितने भी पॉल्यूशन फैलाने वाले चाहे फैक्ट्री हों चाहे कुछ भी चीज़ें हों, उनके ऊपर क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक लॉ बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज़ एनहेंस्ड मेनी एनवायरमेंटल लॉस, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे इससे रिलेटेड लॉज बनाए हैं पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स सब मैंडेटरी कर दिया है इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर रीजन में, इंडस्ट्री जो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स को यूज़ करती है उसे कंट्रोल करने और एमिशन के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई है। थर्ड है हमारा इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो वी लिव इन ए कंज्यूमर एज, हम कंज्यूमर एज में रहते हैं, हमें फिजिकल कंफर्ट्स की जरूरत होती है। हाउएवर स्मॉल सेगमेंट जो है पॉपुलेशन का वो डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज स्केल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इट्स कंफर्ट, मतलब वी शुड नीड द रिसोर्सेज फॉर प्लैनेट फोर प्लैनेट अर्थ टू प्रोवाइड दिस लेवल ऑफ कंफर्ट टू एवरीवन। गांधी जी राइटली सेड, गांधी जी ने कहा है कि द वर्ल्ड हैज इनफ वन एवरीवन नीड बट नॉट इनफ फॉर वन ग्रीड, मतलब जो इस धरती पे क्या है हर एक आदमी के लिए बहुत मात्रा में है, ना कि उनकी ग्रीड के लिए, उनके लालच के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसानों की जरूरत के लिए भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू कंसिडर वी शुड रेशनली यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, हमें जितनी जरूरत है उतने ही उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल लालच नहीं दिखाना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का। दिस कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम दी हरिकेज बैरेज इन पंजाब से स्टार्ट होता है, वो ट्रांसवर्स होता है थार डेजर्ट में और पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाता है। द लेंथ ऑफ इट्स कैनाल इज अबाउट कितना में है, 650 किलोमीटर, ये है आपका कैनाल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो इफ द फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कैनाल्स आर इंक्लूडेड, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो टोटल लेंथ क्या कैनाल सिस्टम का 9060 किलोमीटर हो जाता है। द एस्टिमेटेड इरीगेटेड एरिया कितना है, 20 लाख हेक्टेयर्स। सो इरीगेटेड एरिया इज इन द कमांड एरिया, वो क्या है, कमांड एरिया में है। जो द थार डेजर्ट हैव मैसिव सैंड ड्यून्स एंड स्पेयर्स वेजिटेशन, उसमें सैंड ड्यून्स ज़्यादा हैं और वेजिटेशन की मात्रा बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट द सैंड, उसके कारण क्या होता है, सैंड कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहता है। सॉल्यूशन प्रोनाउंसड है। ओके इन समर टेम्परेचर इज 50 डिग्री, तो वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री होता है। एवरेज रेनफॉल क्या होता है, 10 mm से कम होता है। डेवलपमेंट वर्क, इरीगेशन इन फेज वन इन द कमांड एरिया बिगेन इन 1960 और 1980 में फेज टू स्टार्ट हुआ। ओके जो कैनाल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो डिसर्ट को लश और मॉइस्ट एरिया में, वो अरेस्ट किया गया सॉल्यूशन, एफॉरेस्टेशन और पास्चर डेवलपमेंट हुए, जहाँ फार्मर्स ने क्या किए, चना बाजरा ज्वार इंस्टेंसिव इरीगेशन उसमें अलाउ किया गया वीट और कॉटन की जगह पे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, हालांकि एक्सेसिव इरीगेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर ओवर द ईयर्स लेड टू प्रॉब्लम्स, उसके कारण वाटर लॉगिंग का और सैलिनिटी का बढ़ा। ओके ये सब आपका रहा, ये आपका है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल वीडियो सो दैट others can also get benefit from this. Okay, have a nice day.